सर यही रहता है कि मतलब बाकी क्या बोले उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप। हाँ सर, एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर मैंने मतलब थर्ड ईयर सीरियस में दिया था, पर कलीग से मत पूछना, किसी भी कलीग से मत पूछना कि जाना चाहिए कि नहीं, सिर्फ सीनियर से। सीनियर एक्चुअली अनबीटेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट डील। आज हमारे साथ हैं प्रियांशु शर्मा, जिन्होंने थर्ड ईयर में रैंक अचीव करी थी 4500 के अराउंड, बट उन्होंने हार नहीं मानी और प्रिपरेशन में लगे रहे। ऑल इंडिया रैंक 139 अचीव करी उन्होंने फोर्थ ईयर में। आरए के साथ उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एक एडमिशन भी लिया, बट मन में उनकी इच्छा थी कि अंडर 10 हमको अचीव करना है। तो हार्डवर्क देखिए आप किस तरीके से आपका साथ देता है। जब आप मेहनत करते हैं आपकी मेहनत सफल होती है, और फिर एक ऐसी जंप उन्होंने लगाई जो कि पूरा इंडिया आप देख चुका है। उन्होंने अचीव करी है ऑल इंडिया रैंक 2 इन गेट 2024। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियांशु फॉर दिस। हम जानेंगे प्रियांशु से उनकी पूरी जर्नी, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में दोबारा दिया, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 2 तक की पूरी सफर, पूरी जर्नी डिटेल में, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन, एक गाइडलाइन बन सके जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि वो एक ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव करना चाहते हैं, या अंडर 10 आना चाहते हैं, या अच्छी रैंक चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है किस तरह की तैयारी की जाए। तो आई होप कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सभी एंड तक जुड़े रहें। सो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ बहन सर को, आप कुछ आगे पॉइंट ऐड करें। यस यस, प्रियांशु का एक भाई प्रियांशु से पहले यहाँ पढ़ते थे, दिव्यांशु शर्मा, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, वो भी ट्रिपल आईआईटी बेंगलोर से अभी जॉब कर रहे हैं। कौन सी कंपनी में? बाइजोम है, एक स्टार्टअप वहाँ पे। वेरी नाइस। और प्रियांशु, जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई जैसे घर में पढ़ाई कर रहे थे, तो थोड़ा मन में इस तरह का रहता है कि हम भी कुछ अच्छा करें, तो किस तरह का प्रेशर फील कर रहे थे या फिर मोटिवेशन मिल रहा था? एक्चुअली प्रेशर तो नहीं, मोटिवेशन ही मिला था। गेट का आइडिया सबसे पहले उनसे ही आया था। मतलब मेरे को लग रहा था, मतलब पता नहीं था वो किसकी प्रिपरेशन कर रहे, क्योंकि मैं 12th में था उस टाइम। फिर मैं कॉलेज में आने के बाद पता चला कि गेट की एग्ज़ाम के थ्रू भी हम आईआईटीज जा सकते हैं। 12th के बाद वो काफ़ी लोगों का सपना रहता है, पर मेरे अकॉर्डिंग गेट एक तरह से शॉर्टकट है, एक अंडररेटेड सेम रिस्पेक्ट वाला शॉर्टकट है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड उसी से मेरे को मोटिवेशन मिला है। मैंने उसकी वजह से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन अपनी। और ये जैसे 4500 से 139, फिर 139 से 2 तक का जो जर्नी है, इसमें कुछ आप शेयर करना चाहें कुछ? सबसे पहले तो 4500 मैंने इतनी सीरियसली दिया नहीं था, मैंने सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स ही पढ़े थे। मेरे को सिर्फ ट्राई करना था कि गेट की एग्ज़ाम होती का है कैसी है। एक्चुअली थर्ड ईयर में ही जब मैं था तभी स्टार्ट हुआ था थर्ड ईयर में देना, तो तब मेरे को इतनी प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला था। पर फोर्थ ईयर में मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी मैंने अच्छे कंसेप्ट रखे थे, एंड पर उस समय काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई थी, तभी नहीं मेरी 139 रैंक आई थी। तो उस समय ही मेरी अच्छी रैंक आ सकती थी, तो उस बात पर मेरे को काफ़ी दुख हुआ था एक्चुअल में। पर सर मिले भी थे। यस श्योर श्योर। तो अभी फिर से आपने तैयारी शुरू की, तो जो आपका प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि क्या किस तरह से आपने फिर ये जो 2 रैंक लाए, 131 से 2 रैंक पे जो अपने 139 से 2 तक का सफर, थोड़ा सा एक शॉर्ट जर्नी आप शेयर करें। हाँ, तो इस अटेम्प्ट में मेरे पास सिर्फ, जब मैं स्टार्ट करा था तो मैंने देखा था कि मेरे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, तो मेरे को उस 40 दिन का सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना था। तो मेरे कंसेप्ट पहले से काफ़ी क्लियर थे, बस मेरे को प्रैक्टिस करनी थी, थोड़ा सा ब्रेथ और ज़्यादा कवर करना था, जो कंसेप्ट पिछली बार वीक रह गए थे उसको और अच्छे से क्लियर करना था। पर मेरे पास 40 दिन का टाइम था, तो मेरे को अच्छे से प्रायोरिटीज़ देनी थी अपने चीज़ों को, तो मैंने इस बार वही करी थी। और मैं काफ़ी इस बार कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे पास एक बैकअप था, तो मेरे को बिल्कुल डर लेके नहीं गया था एग्ज़ाम हॉल में, काफ़ी कॉन्फिडेंट था, एंड शायद इसी की वजह से मैंने कभी सिली मिस्टेक्स नहीं करी एग्ज़ाम के टाइम, इस वजह से मेरी सेकंड आई। वेरी नाइस। तो बच्चों को क्या, इस देखिए क्या होता है जब हम बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, तो मैं कई सारे बच्चों को बताना भी चाहूँगा जो अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हैं, कि जब हम किसी को देखते हैं कि हाँ उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, इस तरह का एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस, और
आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप भी इस तरह से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, गेटेड जील के सिस्टम को फॉलो करो, तो उससे क्या होगा कि आपका एक आप एक एग्जांपल सेट हो जाओगे, जैसे कि प्रियांशु है और प्रियांशु कई लोगों के लिए मोटिवेशन। तो आप किस तरह से मोटिवेट होते थे जब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि हम एक बार थोड़ा सा मेरा एक साल और वो हो रहा है ना, इतना बड़ा साधारण डिसीजन नहीं, कई तरह के लोग जो है वो भी आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे, आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे और बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाएंगे अभी प्रिपरेशन में उनको क्या कहना चाहेंगे? दोनों साथ बात कुछ लोग आपके डिसीजन पे भी शक करते हैं कि आपका दौर है, आपने गलत डिसीजन ले लिया, वो भी एक तरीके का प्रेशर है और डिसीजन है। साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका, ये भी जानना चाहेंगे। सर मतलब मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ पर्सनली होती है, किसी और को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, पर मेरे को मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है, मेरे को लग रहा है मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है, बाकी लोग क्या सोचे मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से माइंडसेट लेके आप, हाँ मतलब आपको श्योर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो एक्चुअली मैं अपन बड़े हो जाते तो फैमिली हमेशा अपना साथ देती है अपने डिसीजंस का, जब अपन बड़े हो जाते हैं तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरे भाई का। जैसे सर यही रहता है कि मतलब बाकी क्या बोले उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने बारे में क्या सोच रहे हो, अपने लिए कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है फ्यूचर में भी, अपने लिए काम करो यार। बिल्कुल इससे याद आ रहा है एक चीज़ कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना है, अगर लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे अगर यही अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, हाँ इसलिए उनको उनके हिसाब से छोड़ देना चाहिए और हमें अपने गोल के तरफ पूरा फोकस होकर के, यस डिटरमिनेशन के साथ आगे बढ़े प्रियांशु, ये उनका बहुत की पॉइंट था, मोटिवेशन उनका डिटरमिनेशन ही बन गया। तो कुछ और सोर्स ऑफ स्टडी आपका क्या रहा प्रियांशु, आप किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, आपके पास आपने बताया 40 डेज थे, इसके पहले भी आपने तैयारी करी थी जील के साथ, तो 40 डेज और प्रीवियस स्टडीज को रिविजाइज कैसे करा, मतलब आपने सिर्फ 40 डेज में रिविजन भी करा? हाँ तो 40 डेज के पहले की सपोर्ट मेरा एक साल का प्रिपरेशन जो था जो मेरे फोर्थ ईयर में करा था, ऑफलाइन जो, हाँ तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, जील का मटेरियल था, मेरे को क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था, मतलब मैं क्वेश्चंस अब तक सॉल्व नहीं करता था, मैं अपने आप को उस टॉपिक में स्ट्रांग नहीं समझता था तो मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करता था, एंड जील की मॉड्यूल थी उसमें काफ़ी क्वेश्चन देते थे मेरे को, मतलब पूरा सेटिस्फाइड था उससे, मतलब जितने कर पाता था उससे तो 2-3 गुना ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, कभी कवर कर ही नहीं पाता था पूरे क्वेश्चंस, तो उस मामले में मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि क्वेश्चंस की कमी नहीं है मुझ में। टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज तो एंड में इंपॉर्टेंट रहती है सर, मतलब दोनों पिछले साल के भी दिए थे आपने, पिछले साल के भी दिए थे, इस साल भी दिए थे, दोनों साल की टेस्ट सीरीज आपने कंप्लीट, सारे टेस्ट पूरे अटेम्प्ट करे थे? सारे पूरे अटेम्प्ट करे। अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट करना क्या एनालिसिस बहुत जरूरी, तो आपने कैसे एनालिसिस करा, मतलब सारे क्वेश्चन गलत सही नहीं होते, गलतियाँ भी हो जाती है, हाँ तो गलती से कैसे सीख सके स्टूडेंट वो भी बताएंगे। हाँ सर एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जब भी मैं टेस्ट देता था उसके अगले दिन ही एनालिसिस करता था, उस सेम डे में नहीं, ताकि मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो जाए उस टेस्ट को देख के और मैं उस दिन आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँ, तो मैं अगले दिन करता था, अगले दिन फ्रेश माइंड से एनालिसिस, तो वही कि क्या मिस्टेक्स हो रही, कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, किस में एक्स्ट्रा, वही सेम रहता है एनालिसिस का तरीका मेरा भी। मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या बच्चे नोट बना के रखते हैं वैसे आप भी बनाते थे एक नोट्स कॉपी बना? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया सर मैंने, शॉर्ट नोट जरूरत नहीं पड़ी, मैं लॉन्ग नोट्स में पढ़ता था। या कई लोग क्या होते हैं कि जैसे दो तरह से मैंने देखा बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहले नोट्स बनाए अब कुछ सीखा तो उसी में कई एक छोटा छोटा मैंने देखा कि पेज करके उसमें चिपका चिपका, कई लोग अलग से उसके अलावा जो पॉइंट सीखा उसके लिए अलग से कॉपी बनाती है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, लर्न फ्रॉम टेस्ट, वो भी नोट करते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे या आपने क्या किया, दोनों चीज बता सकते हैं? आपने जो सेकंड बोला मतलब मेरे सबसे ये करना चाहिए, मतलब मिस्टेक्स वाली कॉपी बनानी चाहिए शायद बढ़िया रहता है, मतलब मैंने नहीं बनाई पर बहुत अच्छा आइडिया है ये, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। मैं कॉपी के ऊपर लिख देता था तो कभी कभी वो बहुत मेस्ड अप हो जाता था, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक छोटी सी कॉपी रहती है ना सर, बिल्कुल वो बना दो मिस्टेक्स के लिए, कुछ नया सीखने को मिला है टेस्ट सीरीज से किसी भी क्वेश्चन से तो वो लिख दो। अच्छा कंसेप्ट सर। अच्छा आपने सोचा था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक या प्लान टू अचीव रैंक आपका क्या रहा, मतलब ये कि ऑल इंडिया रैंक 2 लानी है, 1 लानी है, 5 लानी है, अंडर 10 लानी है, सब क्या प्लान लेके आप चले थे? तो इस बार भी मेरा 100 ही था एम, मेरे को पता था जो भी टॉप 50 में है बस उस समय लक का मैटर रहता है, सिली मिस्टेक्स ना हो उसका मैटर करता है, तो ये था कि सिली मिस्टेक्स कम करनी है, तो वही था कि मेरे टेस्ट में भी अच्छे खासे मार्क्स आते थे, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, तो कॉन्फिडेंस इज द की आई थिंक जिससे मेरी वन से आप कितने दूर, कितने पॉइंट, कितने नंबर दूर रह गए? विदाउट नॉर्मलाइजेशन 1.67 एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आई थिंक 2 मार्क्स। थोड़ा देर के लिए मन में आया होगा ना कि ये वाला क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो एक क्वेश्चन की थी सर मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन 50 की तरह 51 मार्क कर दिया, नहीं तो 1 होता मैं, सिली मिस्टेक बहुत सिली।
दुख होता है। अब वो क्वेश्चन है जो 50 जिसका आंसर। हाँ ऐसे एक सिमिलर जैसे बच्चों के डाउट भी रहते हैं, वहाँ हाउ टू ओवरकम मिस्टेक्स, तो मिस्टेक कैसे कम कर सकते हैं, ओवरकम कर कैसे कर सकते हैं, सभी को लग रहा था टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हुए, बट सिली मिस्टेक के कारण पेपर कुछ ऐसा था कि ज्यादा टफ नहीं रहा, पेपर यही था उसमें सिली मिस्टेक काफी हो गई, आपकी कम हुई तो क्यों कम हुई, मतलब कैसे आपने बहुत फोकस होकर तैयारी करी, क्या तैयारी करी, और कुछ टाइम का अप्रोच भी शेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग जब आप एग्जाम दे, ड्यूरिंग उस टाइम में क्या 3 ओवर। यस तो सर सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सिली मिस्टेक्स वगैरह अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आपको पता चल जाएगा सिली मिस्टेक्स किस क्वेश्चन में कब होने वाली है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। एंड जनरली आप, मैंने देखा है लोगों को सिली मिस्टेक्स का एक बहाना बना के चलते हैं कि यार सिली मिस्टेक हो गई इस टेस्ट में टेस्ट सीरीज में, तो वो तो कभी बोलना ही नहीं है। देखो आप खुद से जुड़ मत बोलना, सिली मिस्टेक हुई है तो भी एक मिस्टेक ही है वो, बस आगे सीरी सीरी लगा है, तो उसको कोई बहाना लेके उनको चलना। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एट द एंड यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आप प्रैक्टिस से कभी भाग नहीं सकते, मतलब सबसे एंड में एक ही सॉल्यूशन रहता है हर क्वेश्चन की, प्रैक्टिस करो तो उससे आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिल जाएगी कि यार मेरा इस क्वेश्चंस के प्रति कॉन्फिडेंट कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, कितना मेरा कंसंट्रेशन लग रहा है, तो सर वो सारी एक छोटी छोटी फैक्टर्स रहते हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। हाँ और उस पर एनालिसिस करके छोड़ नहीं देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो कारण क्या था, फिर उससे आप कुछ सीख सकते हैं। हाँ जैसे मुझे याद आ रहा है जब मैं गेट का एग्जाम दिया था, मैं भी थर्ड मतलब फाइनल ईयर में दिया था, और हमारे टाइम में फाइनल ईयर होता था, उस टाइम मैंने ऐसे मिस्टेक बहुत किए थे, तो मेरे से लास्ट में आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक होता था, तो हर क्वेश्चन को मैंने 2 बार सॉल्व करके और फिर हम आंसर लगाए थे, मेरे पास जाने तो जितना टाइम जाता है, पर जो करेंगे सही से करेंगे। कई लोगों का सबका अपना अपना, मैं ये नहीं बोल रहा आप यही करो फॉलो, लेकिन यस आपके जो वीक पॉइंट है उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सारे सीनियर्स जो बच्चे अच्छे रैंक ला रहे हैं उससे हमको लर्न करना है, ये नहीं कि उन्हीं के पाथ फॉलो करना है, हमको ये देखना कि हम हमारे रास्ते में क्या क्या समस्या आ रही है, तो सीनियर से पुराने स्टूडेंट से सीख करके और टीचर से गाइडेंस लेकर के आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो पैटर्न ऑफ स्टडी है कि जैसे पूरे दिन में जैसे जो जब आप 139 रैंक लाए थे उस टाइम का भी आप शेयर कर सकते हैं, और अभी दोनों चीज़ का कि आप जो बच्चों को भी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और एक पर्सनल आपका क्या स्ट्रेटजी था कि पूरे दिन में पूरा दिन चढ़ कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, फोर्थ ईयर में मेरा कॉलेज था तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी टाइम निकालने में, पर अगर आपको पता हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है तो आप टाइम निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, उसके लिए पढ़ना चालू कर दोगे अच्छे से। पर कभी कभी हाँ ऐसा हो जाता है कि यार दूसरी चीज़ों के फैक्टर्स काफ़ी हावी पड़ रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, टाइम निकालना है गेट के लिए, आपको टाइम निकालना ही है, कैसे भी करके निकालो, चाहे कम से हो या फिर दूसरों में कॉम्प्रोमाइज़ करो, पर गेट के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकालना है, चाहे दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, मतलब पर पढ़ना है मेरे अकॉर्डिंग, कभी उसको छोड़ना नहीं है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस केस में। अभी एक और स्टूडेंट अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आए थे, वो मेघा पाटीदार, उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि उन्होंने घर में शादी हो, घर में कोई फंक्शन हो, कहीं जाना भी हो, तो सुबह जल्दी उठ करके पहले वो 2 घंटा पढ़ लेती थी, और ये प्रियांशु भी वही चीज़ करने, बहुत अच्छे अच्छे जो रैंक ला रहे हैं सबका यही कहना है, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट करो कि हमारे जो लक्ष्य में जो डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है ना कभी मिस नहीं होना। अभी मान लो आपका एग्जाम आ गया, सेमेस्टर एग्जाम आ गया, उस दिन उस वीक में उस महीने में कई लोग तो वीक पढ़ाई नहीं करते हैं, जबकि उसको टाइम सेट करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना 3 घंटे तो उनके आने जाने में जा रहे थे। उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने उनसे ही सवाल किया था कि पढ़ाई कब होती है, आप तो फिर बोलते नाइट में रात में जब टाइम मिलता है, जैसे भी इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, टॉपर मैनेज कर लेंगे, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो एक चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ की पॉइंट्स बनाए टू गेट 2 और 3 की पॉइंट्स टू गेट सम गुड रैंक, इफ यू हैव समथिंग इन माइंड। सबसे पहले सर कंसिस्टेंसी, जैसा मैंने अभी बोला कि यार 2 घंटे पढ़ रहे हो पर इज्जत से पढ़ो। सेकेंडली मतलब कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, मतलब आपको कभी कभी लगेगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पर ध्यान रखना ये जो हो रहा है आपके साथ ये एक जर्नी का पार्ट है,
मतलब ऐसा मैंने कहीं सुना था कि लाइफ में अगर डाउनहिल जा रही है चीज़ें तो जब अपहिल जाएगी तो मज़ा तभी आएगा ना जब डाउनहिल गई हो। सही बात। तो ये मैंने पढ़ा था तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी यार कि जब मज़ा आएगा लाइफ में तो मज़ा इसलिए आ रहा है ना कि कभी ना कभी डाउन था डाउनफॉल था मेरी लाइफ में। सही बात। तो एक थर्ड चीज़ कि विजडम रखना चाहिए। विजडम मतलब इन द सेंस कि दूसरों की बात सुनना, दूसरों की उन्होंने प्रिपरेशन में क्या क्या गलती करी है, मतलब टीचर्स की बात मानना। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अंडररेटेड चीज़ है, उनसे सीखना कि यार खुद के ईगो में चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। सर मतलब तीन पॉइंट मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैंने देख रहा हूँ कि प्रियांशु ने जो बोल रहा है आपको की पॉइंट ये फॉलो भी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं। डाउन टू अर्थ प्रियांशु बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। जब भी वो आता है तो बिल्कुल विद रिस्पेक्ट आपसे सारी फैकल्टी से मिलना और जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ बिल्कुल कनेक्ट रहना, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल श्योर कर सकता। और बात भी वो सुनते थे, हमेशा बात सुनते थे, जो भी मैं बोलता था या सर बोलते थे मैम बोलते थे उस चीज़ को लेकर के वो सीरियस रहता था। आपको विश्वास नहीं होगा वो प्लेसमेंट में, मुझे जहाँ तक याद है आप प्लेसमेंट बैठे नहीं थे, नहीं इन्होंने दिमाग से निकाल देते क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस्ड था कि मुझे गेट ही करना है। देखिए इस तरह से हमारे अंदर ये आना चाहिए, यस मुझे पूरा जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया उसको जब आप अपना बेस्ट देंगे इस तरह से फुली फोकस्ड होकर के, तो निश्चित रूप से अच्छा तो होना ही है। बस अपने अंदर ये चीज जागृत करना जो प्रियांशु के अंदर था। आगे कंटिन्यू करते हैं प्रियांशु, इसमें मैं जानना चाहूंगा जो स्टडीज थी उसमें गेटेड जिल का क्या रोल रहा, कि प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करी उसको? सर मतलब मोस्टली सब्जेक्ट्स में अगर बेसिक्स की बात करें तो मेरे सारे बेसिक्स यहाँ पे ही क्लियर हुए थे, एंड क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी सॉल्व करने की, वही मैंने जैसे बोला कि मेरे क्वेश्चंस काफ़ी चाहिए रहते थे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, तो जो मॉड्यूल्स रहती थी तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं अभी भी सर से पूछता हूँ कि सर कहाँ से लाते थे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे इसी मॉड्यूल में होते, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस रहते। हम मैं और मेरा फ्रेंड बातें करता था कि यार कहाँ से लाते हैं सब क्वेश्चंस यार। एक्चुअली मैं जब ब्रश करता हूँ ना तब भी मेरे दिमाग में कई क्वेश्चन आ जाते हैं, खाना खाता हूँ तब भी आइडिया आ जाते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे अपने जैसे मैम हैं, आशीष सर हैं, अर्चित सर हैं, हम सभी लोग मिल करके बहुत सारे, ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन में कई बार एक एक घंटे लग जाते हैं, पर मेरा ये प्रयास होता है कि बच्चे के अंदर जो कंसेप्ट है ना वो उसके अंदर अच्छे से आत्मसात हो जाए, वो कंसेप्ट उसका अपना हो जाए। उसके लिए इस तरह से हमारा प्रयास रहता है कि क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन किया जाए, ये नहीं कि कुछ भी उठा कर दे दिए, ऐसा भी नहीं है, और इतना आसान भी नहीं दिए कि मतलब वो कुछ सीख नहीं पा रहे। सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ के डाउट सपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब मैं तो ऑफलाइन इसलिए प्रीफर करता था, मेरे को ऑफलाइन किसी कोचिंग को ज्वाइन करना ही था क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वही है कि किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन तो यार उससे बढ़िया चीज़ है नहीं। तो मैं ऑफलाइन था तो ये सबसे बढ़िया चीज था कि फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हो, कि पकड़ के डॉट पूछ सकते हो यार सर बताओ प्लीज़ बता दो, तो यही था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने काफ़ी परेशान करा, सर भी परेशान हुए लेकिन सर परेशान होना चाहते थे ये भी है। ये परेशान होकर के अगर AIR 2 आ जाए तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, AIR 1 आ जाए तो क्या हो सकता है। अच्छा उन स्टूडेंटों की स्टूडेंट जैसे कुछ आप कुछ जो नहीं आ सकते तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी गेटेड जिल में जूम पे भी डाउट बताया जाता है ऑनलाइन, हम लोग बच्चे को एक तो है कि देखो यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन जो है रिटर्न फॉर्म में रहता है, आपको भी मिला होगा सॉल्यूशन ऐप पे रहता है, और सॉल्यूशंस के वीडियो भी हर क्वेश्चंस के वीडियो भी देते हैं हम लोग, और साथ में उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं है चैट पे भी पूछ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सभी लोग पूछ सकते हैं, वहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम लोग ना क्या करते हैं वीक में दो दिन, जैसे मेरा मैं दो दिन ले लिया, दो दिन सर ले लिया, इस तरह से सभी लोग आते रहते हैं और लाइव डाउट डिस्कशन, यस लाइव डाउट डिस्कशन, आप आके पूछो, बोल करके भी पूछो, बाहर भी हो, कन्याकुमारी में हो, कश्मीर में हो, या पूरा नॉर्थ साइड हो, कोई आसाम में, वेस्ट बंगाल में, अलग अलग जगह के लोग सब भी जो है हमारे यहाँ से पूछते हैं। तो जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ से कॉलेज छोड़ के तो आ नहीं सकते, मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन अच्छा है पर ऑनलाइन से भी बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी अच्छा है, तो सारी चीज हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, मतलब वही फील करा रहे जो ऑफलाइन जैसा है, जो डाउट पूछना चाहे पूछ सकते हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ बताना चाहें। मतलब ऑनलाइन भी कर रहे हो तो ऐसा प्रिटेंड करना कि यार ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मतलब लाइव क्लास जब चल रही है तो लाइव क्लास के टाइम ही पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग एकदम डिसिप्लिन वे में पढ़ना, मतलब चाहे आपको लग रहा हो कि यार कंसेप्ट तो बहुत आते हैं यार क्या सिंपल पढ़ा रहे हैं, पर नहीं मतलब वो मैटर नहीं कर रहा, अभी डिसिप्लिन मैटर कर रही है कि आप दो घंटे ले रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन कर भी रहा ना तो ऐसे प्रिटेंड करना कि ऑफलाइन है, मतलब डाउट आ रहे हैं तो उसी टाइम पूछ लो, पकड़ पकड़ के पूछो, मतलब मैं खुद डाउट के कभी कभी आंसर्स करता हूँ उसी ऐप में, तो और भी टॉपर्स करते हैं उसी ऐप में, मैंने देखा है, मतलब मैंने भी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का काफ़ी।
जब मैं नहीं जा सकता था ऑफलाइन सेंटर में, तो सर मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑनलाइन वालों की। वेरी नाइस। अच्छा, लेक्चर के नोट्स जब आप बनाते थे, नोट्स बना के फिर आपने उनको सेल्फ नोट्स से आपने कैसे नोट्स का यूज़ करा? नोट्स तो हाँ, तो वही सर, नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से बनाए थे, काफ़ी अच्छे से, एंड मतलब मेरे लिए काफ़ी मैं संतुष्ट था उस नोट्स को देख के। और मैंने जो जो भी सीखे हैं ना क्वेश्चंस, मतलब नोट्स से ज़्यादा जो मैंने सीखे हैं कंसेप्ट्स, उसको मैंने जो ऊपर लिखे ना, वो काफ़ी बढ़िया लगे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई थी जो डायरेक्ट गेट में आ गई थी, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। कॉपी के नोट्स से काफ़ी सारी चीज़ें सब आ गई। ये तो कई बच्चे बोल रहे हैं, आपका AI2 आया है तो आप भी शेयर कर सकते हैं कि गेटेड जील के जो आपने प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, क्लास, सारे चीज़ को आपने अच्छे से महसूस किया, तो जो टेस्ट आपने जब भी गेट का एग्जाम दिया तो आपको कितने सारे चीज़ मैच हो रहे थे, कितना परसेंट मैच हो रहे थे पैटर्न और क्वेश्चंस? हाँ सर, मतलब जो कंसेप्ट रहते हैं वो अगर आप इन डेप्थ जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो अगर क्वेश्चंस मैच भी नहीं कर रहे ना, तो आप इस लेवल का पढ़ लोगे कि आपको गेट के क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल लग जाएंगे, मैच होने का मतलब प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा कि मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, आपको कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि लव कर लोगे आप अच्छे से। जैसे मान लो मुझे एलजेब्रा आ गया, बहुत टेंथ लेवल का कर, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, टेंथ लेवल के क्वेश्चन बन रहे और आ रहा है 4-5 लेवल के, 4th-5th लेवल क्लास के क्वेश्चन, तो उस तरह की फीलिंग आ रहा था। हाँ। कि मतलब बहुत अच्छे आता है क्वेश्चन, अपने को आसान लग रहा था। हाँ, क्वेश्चन देख करके खुशी हो रहे थे। हाँ। पर उसी खुशी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कई बच्चे ना क्वेश्चन देख करके तो खुश हो रहे थे पर कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो जो भी प्रिपरेशन करें उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप वर्क करें कि जब आप आंसर लगा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उस टाइम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने वक्त भी पूरा फोकस्ड, अटेंटिव, और आंसर टिक करने वक्त भी, जल्दीबाजी नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत ही स्लो हो गए, उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछना चाहूंगी, थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिनके पास अभी टाइम है, ताकि बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके एक बार में ही उनके अच्छे रैंक आ जाए, उनके लिए क्या आप कहें? सर मैंने मतलब थर्ड ईयर सीरियसली दिया था, पर मैं ये बोलूंगा कि थर्ड ईयर का बहुत सीरियसली दो, ऐसा दो कि आपका फाइनल अटेम्प्ट है, क्योंकि आप अगर अच्छी रैंक निकाल लोगे ना, तो फोर्थ ईयर आपके लिए इतना ब्रीज वे में जाएगा, आप फोर्थ ईयर में काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो गेट के अलावा, IITs में जा रहे हो अगर आपकी रैंक आई अच्छी, तो आपको पता है कि आप किसी IIT तो जा रहे हो, तो फोर्थ ईयर में आप उसके सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेमवर्क सीख सकते हो। तो थर्ड ईयर के लिए मैं सजेशन करूँगा कि एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन ऐसी करो कि लगे कि लास्ट अटैम्प्ट है यार, दो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं। एक, कुछ बच्चे जो अभी गेट के एग्जाम दे दें, वो उनके रैंक कुछ इस तरह है कि, और उनकी इच्छा भी, जैसे IIT मद्रास में MS है, या IIS बेंगलोर में आ रहे हैं, IIT मुंबई में आ रहे हैं, इस तरह के कोर्स में जाने के इच्छुक रह रहे, उनके लिए आप किस तरह से सजेशन देना चाहेंगे? मतलब जहाँ पे भी जा रहे हो, सिर्फ जाने के लिए मत करना, उस कोर्स के लिए पहले पढ़ना कि एक्चुअल में अंदर जाने के बाद होता क्या है, कि आपका सही में इंटरेस्ट है वहाँ पे। सिर्फ IIT में जाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग घुसना इतना अच्छा नहीं है कि बाद में लोगों को रिग्रेट होता है, आप 3 साल तो निकाल लोगे, पर यह लाइफ का 3 साल मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से जाना चाहिए, आपको इंटरेस्ट लगना चाहिए, सीनियर से पता कर सकते हैं वहाँ पे, और तो वही सीनियर से बात करो, पूरा निचोड़ लो उनको, कि पूरी इन्फॉर्मेशन निचोड़ लो, कि मतलब कोई बुरा तो मानेगा नहीं, 10-15 सीनियर से मांगो, सब हेल्पफुल रहते हैं। हाँ, सब अपने यहाँ के स्टूडेंट हर जगह है, पर कलीग से मत पूछना, किसी भी कलीग से मत पूछना कि जाना चाहिए कि नहीं, सिर्फ सीनियर से और टीचर से, क्योंकि टीचर्स ने बहुत सारे सीनियर्स को गाइड किया गया। तो कई सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, जैसे एक था, हमको याद आ रहा है, भागेश पाटिल करके था, IIT मुंबई आ रहे थे, तो वो उन्होंने 3 ईयर का कोर्स किया था और उनका करीब 1.14 करोड़ का पैकेज लगा था ऑलमोस्ट, मैं जहाँ तक मुझे याद है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट में। तो मैंने ऐसे कहीं देखे, एक IIT मद्रास में MS में था, 2014 में हमारे बैच का था, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेस, मतलब MTech से ज़्यादा अच्छा प्लेस, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई किया। तो जो ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं कि करना ही है, कुछ भी कुछ डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, आपको किस में रुचि है, और आपको सच में जान लो सारा चीज़, फिर आपको सारा सिस्टम पता रहेगा, तो फिर आप अपना बेस्ट दे पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे। तो अरे जाना गलत नहीं है, लेकिन ये डिमोटिवेट नहीं होने का, अरे अरे या MS 3 ईयर प्रोग्राम कैसे ले लें, आप बिल्कुल ले सकते हो, और अगर अच्छे से पढ़ाई और रिसर्च में अगर रुचि है थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से आप जा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि कहे सुने पे अपन चले गए, जो प्रियांशु का। अच्छा, अब एक रेंज ऐसी गेट रैंक आती है जो
ना कम्प्लीटली IIT के रहते हैं ना NIT के, वो बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो वो डिलेमा में रहते हैं कि मुझे अपनी तैयारी करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक साल अगर ड्रॉप हो चुका है उनका, बट उनके पास एक्सपीरियंस है, बट वो डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कि वापस से ड्रॉप लूँगा तो एक साल और ख़राब हो जाएगा, पता नहीं रैंक क्या आएगी। ये रेंज जो रहती है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रहती है अक्सर हमेशा, और डाउटफुल कंडीशन को आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या सजेशन देंगे आप? मतलब उनको फिर एक माइंडसेट सर मेरे अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, लाइक कि करना क्या है, मतलब कोई सा कॉलेज ज्वाइन करना है कि नहीं, कि अगर उनको ज़रा भी कॉन्फिडेंस है कि यार मैं अच्छा कर सकता था, ये तो बहुत गलती हो गई मेरे से, तो भाई उस रैंक में अगर आपको लग रहा है कि अच्छी रैंक नहीं आपके अकॉर्डिंग, तो भाई ड्रॉप लो, एक बार प्रिपेयर करो कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस है अभी भी, आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक्स हो गई है इसलिए नहीं आ पा रहे, पर आपको लग रहा है कि यार बहुत पढ़ लिया, तो उस रेंज में भी मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो एट द एंड आपके ऊपर है। ओके सर, और फिर अब आपकी क्या प्लानिंग, कहाँ पे जाना चाहते हैं आप, कौन से इंस्टीट्यूट में? सर IIT बॉम्बे या मद्रास में से एक प्रेफर करूँगा मैं, IIC नहीं जाऊँगा। ठीक है, सबका अपना बड़ा, सारे अच्छे हर तरह की मिठाइयां अवेलेबल है आपके पास, जो चाहे वो उठा सकते हैं। मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा सर आज के सेशन का, जरूर ले लेते हैं अपन, जैसे आप कंप्लीटली अगर रिव्यू करना चाहें इंस्टीट्यूट को, कि रेट करना चाहें लेक्चर मटेरियल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सबको अलग अलग करके सेक्शन को, तो आप कैसे झील के सारी चीजों को रेट करेंगे? मटेरियल एक्चुअली अनबीटेबल है पूरे इंडिया में, कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ कहीं नहीं मिलेगा, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। एंड मतलब मैंने दूसरे रैंकर से ही बात करी है, मैंने उनको मटेरियल दिखाया है कि ये मटेरियल है, तो उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से भाई, मतलब हमको तो नहीं सॉल्व करा है, मतलब लिटरली मैंने बात करी है। तो मटेरियल सबसे ऊपर रखना चाहूँगा कि अनबीटेबल है सर, मतलब मेरे हिसाब से। और टेस्ट, टेस्ट सीरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी हाई है, इस लेवल से हाई कहीं नहीं मिलेगी, सीखने को मिलता है, मतलब क्वालिटी है टेस्ट सीरीज में, तो उससे तो काफ़ी सीखने को मिलेगा, बस वही कि डरना नहीं है क्वेश्चन देके, सीखने को मिलेगा, काफ़ी मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ काफ़ी। और यहाँ के डाउट सपोर्ट? हाँ डाउट सपोर्ट सब मैंने बोला है कि काफ़ी है। क्या अच्छा रेट करेंगे डाउट सपोर्ट को? सर रेट के कई बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ इतना अच्छे से, मतलब डाउट कई जगह टोकन का सिस्टम, अच्छा मैंने बोला ना मतलब कि जब चाहो जितना चाहो पूछ सकते हो आकर के, ऑनलाइन वाले को भी हम लोग इतना फोन पे भी रात को 11 बजे फोन कर रहे तब भी हम लोग डाउट बताते हैं, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो भी आपने क्या फील किया, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको जैसा भी लगे। हाँ सर मतलब मैंने काफ़ी यूज़ करा है इस चीज़ का, तो मैं तो अच्छे ही रेट करूँगा। और यहाँ का जो माहौल है, जो एक कई बच्चे बोलते हैं आप उस फैमिली जैसे है, जील एक फैमिली की तरह है, मतलब इस तरह से आपको कैसा लग रहा था? अपन मिलके बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब ऑनलाइन ही बात करते एक दूसरे से। काफी इंटरेक्टिव माहौल है, मतलब आपको मिला है कॉम्पिटिटिव तो बहुत मिला है, मतलब काफी फ्रेंड भी रहते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, अच्छे बच्चों में कॉम्पिटिशन होती है, यानी हमारा पास एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि झील की टेस्ट सीरीज में जो हम देखते हैं, ऐसे झील की टेस्ट सीरीज में इतने भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं टेस्ट दे रहे हैं, जो उनकी अंडर 10-50 जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेम एज इट इज़ गेट रैंक में, एक्चुअल रैंक में भी अंडर 150 आते ही हर साल। बिल्कुल। और सर कुछ सर सफिशेंट आई थिंक, और आपको कुछ अगर डाउट है तो आप वीडियो के चैट सेक्शन में पोस्ट करें, आई होप कि वी आर देयर टू हेल्प यू। समराइज सर आप कर रहे थे कुछ? हाँ मैं कुछ पॉइंट्स जो एक बार इस सेशन को करना चाहता हूँ, जो अभी प्रियांशु से हमें लर्न करने का प्रयास किया हूँ, इन्होंने कहा कि अपने गोल के तरफ फोकस्ड होना है, लोगों की बातों नहीं। कई लोग आपको गेट में भी डिस्टर्ब करेंगे, अरे क्यों गेट कर रहे हो, प्लेसमेंट ले लो, कई लोग अलग अलग तरह के, मतलब अगर आपको सच में गेट में रुचि है तो आप अगर गेट करना चाह रहे हैं तो पूरा फोकस्ड हो जाए, नहीं करना है तो छोड़ो, ले लो कंपा, जो भी आपको करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सच में करना है तो मैं चाह रहा हूँ कि सीरियसली करो, टाइम वेस्ट मत करो, माता पिता के पैसे और अपने समय को मत बर्बाद करो, किसी दूसरे को देख करके मत गेट की तैयारी करो। थोड़ा लग रहा होगा सर आप नेगेटिव बोल रहे, नहीं मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ आपका टाइम और मनी ना वेस्ट हो, लेकिन अगर आप गेट की कोचिंग ज्वाइन करो या गेट की तैयारी करना चाह रहे हो तो सीरियसली करो। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि बहाना मत बनाओ, ऑनेस्ट हो, अपने प्रति ऑनेस्ट हो, अरे टेस्ट में ये था ऐसा था इसलिए मेरा ये मार्क्स हो गया, नहीं आप अपने वीक पॉइंट को फाइंड करो और उस पर काम करने का प्रयास करो, उसे इंप्रूव, और सीनियर से, फैकल्टी से या टीचर से, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, सभी लोग तैयार
तैयार है आपको मदद करने के लिए। टेस्ट एनालिसिस करने को बोला, प्रायोरिटी गेट का देना है, ऐसा नहीं कि दो दिन पढ़ा या एक सप्ताह पढ़ा, बीच में दो दिन हमारा गैप हो गया। कंसिस्टेंसी चाहिए और गेट को प्रायोरिटी, इन्होंने बोला था कि हर दिन हमने पढ़ाई की, कोई दिन मिस नहीं किया। कंसिस्टेंसी के अलावा कॉन्फिडेंस, अपने आप को कॉन्फिडेंस, कभी लो कॉन्फिडेंस भी होने लगे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर हमको मान लो हमारे जीवन में कुछ खुशी आ रहा है, सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो जरूर उससे पहले थोड़ा सा हमको दुख हुआ होगा तभी हम सुख का, या अगर हम अभी दुखी हैं तो पॉजिटिवली होना, आने वाले समय हम अभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, अच्छा होगा, ये सोच के साथ, इस आशा के साथ हमको प्रयास करते रहना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सेल्फ मोटिवेशन पे बोला, लाइव क्लास के लिए भी इन्होंने बोला कि अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह से फील करना है कि हम ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। टाइम पे कई बच्चे, मैं भी लाइव क्लास लेता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, मतलब 60-65 बच्चे रहते, बाकी बच्चे दिखते, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं तो प्रयास करो कि आप लाइव ही क्लास को अटेंड करो अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हो, और बिल्कुल कोई भी डाउट है बेहिचक पूछो, डिसिप्लिन में रहो कि यस, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, ये कल वाला ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी तो ठीक है कल से स्टार्ट कर, कल नहीं आज और अभी से स्टार्ट करो, जो भी चीज करना अभी से शुरू करो, है ना। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रियांशु ने कि थर्ड ईयर में अगर आप हो और सीरियसली अगर आप अभी गेट देते हो तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएगी, तो थर्ड ईयर को मजाक मत लेना कि अरे अभी तो बहुत टाइम बचा, मैं बच्चों से मिलता हूँ देखता हूँ। और एक चीज मैं पूछना भूल गया जो मैं सच में बोलना पूछना चाहता हूँ, मैथ्स और एपटी को लेकर के कई बच्चे लास्ट में तैयारी करते हैं, कई बच्चे का मैथ्स सच में बहुत अच्छा होता है या एपटी बहुत अच्छा होता तो ठीक है, उनके लिए ज्यादा असर नहीं होता, पर कई बच्चों के लिए जिनका 11th 12th जो कोविड में बीता है समझ रहे हैं ना, उसमें बच्चे पढ़ाई नहीं की, बच्चे आके बताते सर मेरा बहुत ही वीक है, मुझे समझ में बेसिक चीज नहीं आता, तो उन लोगों को मैं भी बोलता हूँ कि अभी से शुरू करो, वीक में दो दिन सैटरडे संडे दो दो घंटे निकाल लो, तो थोड़ा बहुत आप उन बच्चों के लिए जो अच्छे हैं उनके लिए नहीं, जो सच में जिसका बहुत स्थिति गंभीर है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें, मतलब मैथ्स एप्टी एक जैसे नहीं बोलेंगे, एप्टीट्यूड बहुत अलग अलग है, दोनों के लिए अलग 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 है। मैथ्स एक कोर सब्जेक्ट है, जैसे TOC है, एल्गोरिथम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, बोल रहा हूँ उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स तो करना ही है कि बहुत स्कोरिंग है, खतरनाक स्कोरिंग है, मतलब हर जगह आपने सुना होगा कि यार मैथ्स पढ़ लो, एप्टीट्यूड पढ़ लो, 30 मार्क्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे, टेक्निकल में भी काम आ जाता है। हाँ, टेक्निकल में भी काम आता है, तो ये मैथ्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे सबसे फर्स्टली मैथ्स ही पढ़ना चाहिए ऐसा सब्जेक्ट, एंड एप्टीट्यूड वही है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस हो खुद पे, नहीं हो तो बिल्कुल वो भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज कर सकते जिस टॉपिक में वीक लगता है उसको कर। हाँ, पर मेरे अकॉर्डिंग से कोर सब्जेक्ट्स पहले पढ़ना चाहिए इंक्लूडिंग मैथ्स, वो मैथ्स प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो ये है। एप्टीट्यूड मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर मैं दूसरों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा करें। हाँ, क्योंकि सब कई लोग सब का अलग है, एप्टी में 2 मार्क्स आए हैं, इधर टेक्निकल में अच्छे मार्क्स आए, एप्टीट्यूड में क्योंकि ऐसा होता है इंग्लिश के दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि एप्टीट्यूड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको सिर्फ थिंकिंग देख रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए एप्टीट्यूड में 30 टॉपिक पढ़ रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम वेस्ट था, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ, कि बाकी के लिए शायद नहीं हो, बाकी मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों बातें हैं, जिनको बहुत अच्छा है उनको जरूरत नहीं है, जिनको लगता है तो टॉपिक पे काम कर सकते हो, कि आप मेरे मैं मुझे जो समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन से एरिया के क्वेश्चंस हमसे नहीं बन, उस पर काम करो, ये स्ट्रेटजी होना भी चाहिए कि हमारा जिस पे वीक है हम, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, और क्लास सुनने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर एक बार क्लास देख लिया ना तो बहुत सारे चीज देख लो, उसमें इतने क्वेश्चंस करा देते हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। छोटा सा अगर बैकग्राउंड देखे तो प्रियांशु क्या आप हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे, 10th 12th GSITS से GSITS कॉलेज में भी काफी अच्छा कॉलेज है, नहीं मेरा सर शुरू से ऐसा था कि मतलब यार कुछ करना है लाइफ में, अच्छा सा ऐसा डिपेंडेंट नहीं रहना है लोगों पे, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे पास काफ़ी थी, मतलब जरा भी कुछ डाउनफॉल होता था मेरे को लगता है यार कुछ अलग ही हो रहा है यार, कुछ तो करना लाइफ में, मतलब बस कोई पीछे आपको करता था तो आपको लगता था कि उसको पीछे कर, हाँ ये तो रहता था, मतलब पता नहीं ब्राह्मण लोग ये था, तो शुरू से ही था, तो ब्राइट अपने आप हो गया उस थिंकिंग की वजह से, तो ये मेरा थिंकिंग था, मतलब हां आपके 10 12 में भी सब अच्छे पास, जिसके 10th अच्छा होता है 10th 12th अच्छा, तो उसके लिए एफटी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी कहीं एफटी नहीं पढ़ा, परसेंट इंजीनियरिंग में मेरे टेक में कितने परसेंट, 7.52 वो भी बिना पढ़े पूरा बैक के साथ वो भी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको लगता है कि गेट हमारे लिए है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, मतलब हमारे तो बहुत दूर की बात हो गई है, हमको मतलब बीटेक कर लेंगे उसके बाद छोटी मोटी कंपनी में काम कर लेंगे, बट तो क्या वो स्टूडेंट भी तैयारी करके अच्छे से कर सकते हैं क्लियर गेट और अच्छी मतलब फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, मतलब जिस तरह का माहौल है पहले ऐसा था कि मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने सुना है लोग अभी भी अमेजोन ये सब में कि पहले स्विच करना काफ़ी ईजी था,
अब नहीं है उतना इजी, तो अगर आप कम पैकेज में सेटल हो रहे हो तो उससे बुरी बात तो शायद है ही नहीं, मतलब इतने कम में। सर मोबाइल का एक खुद का एक टाइटल है, नेवर सेटल, वो खुद बोल रहे हैं तो इतने कम में सेटल होना ही क्यों, एक ही लाइफ है यार। तो ये था कि यार बेस्ट यूज करो अपनी लाइफ का, बेस्ट यूज करो, बेस्ट दे अपना, बेस्ट दे। हाँ वही सही बात, अगर हमारे पास टैलेंट है, स्किल है, या मुझे लगता है जैसे मैं जब गेट का मेरा बहुत बिगड़ गया था, 15,000 रैंक आया था पहली बार में, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यस, मैंने पेपर देखा, मेरे से गलतियां बहुत हुई, तो मुझे लगा था कि मैं कर सकता हूँ। अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है ना पेपर देख करके, अब देखो पहले ये डिमोटिवेट मत लो, जो लोग मान लो प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो कि गेट के बारे में नाम भी सुने हो, तो मैं बोलूंगा कि एक बार देखो सही क्वेश्चन को देखो। मैंने देखा कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सभी वही है, उसी को थोड़ा और अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया जाए, डिटेल में न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करना ही एक गेट, उसके अलावा गेट और कुछ नहीं है। अच्छा प्रियांशु, एक स्टूडेंट के लिए भी मैं पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने तैयारी तो करी थी, बहुत अच्छी तैयारी करी थी, लग के तैयारी करी थी, उनके हिसाब से वो कंप्लीट थे कि हाँ हमारी तैयारी पूरी है, बट कहीं ना कहीं रैंक नहीं आ पाई और मार्क्स नहीं आए, तो सिली मिस्टेक की वजह से या कोई भी मिस्टेक की वजह से, ओवरऑल उनके लिए कुछ एक सजेशन या ताकि वो अगली बार उन चीज़ पर ध्यान रखें। सर मैंने अकॉर्डिंग की प्रिपरेशन करी है, तो उन्होंने अगर टेस्ट दिए होंगे तो उनको पता चल गया हो कि मतलब कितने मार्क्स आने वाले हैं, सबको पता रहता है, टॉप 100 में जो भी उनको पता रहता है, टेस्ट सीरीज से एक मिरर है। हाँ एक मिरर, सब उनको पता रहता है कि मेरे टॉप 100 आ रही है, अगर आपके नहीं आ रही ना तो आप टेस्ट असली टेस्ट में आके, कोई अगर ये मेरे को ये बोल रहा है कि यार मिस्टेक हो गई खतरनाक वाली इसलिए मेरी टॉप 100 आ सकती थी, अब 5,000 पहुँच गई, तो वो तो झूठी बोल रहा है सर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको पहले से पता था मेरी इतनी आने वाली है। और सिली मिस्टेक भी सर 10-15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको पता रहता है कि मतलब आपने प्रिपरेशन पूरी करी है पर आपको पता होगा कि आपकी इतनी रैंक है, आपके कहाँ पे लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप दूसरों को ऐसा बोल दोगे पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है सर। बिल्कुल, तो आप सभी स्टूडेंट जिनकी रैंक नहीं आई बट उनको लग रहा है प्रिपरेशन कम्प्लीट है, तो आप अपने टेस्ट को एनालाइज करें, उसके मार्क्स को देखें, तो आपको पता लग जाए कि कहाँ कमी रह गई है, उसको काम उस पर काम करके उसको कम्प्लीट करें, एक बार फिर तैयारी करें और अचीव करें अच्छी रैंक, नेवर सेटल जैसे कि हमारे प्रियांशु ने बोला है, तो बिल्कुल सही लाइन है, डू योर बेस्ट। जाते जाते मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, करीब 1-2 जनवरी की बात है, हमारे मैसेज में भी रखा है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो ये टेस्ट दिया था, इसका रैंक आया सेकंड रैंक, तो बोला मैंने बोला कि क्या रैंक आ रहा है, इन्होंने मुझसे मार्क्स पूछा, मैंने देख के बता, तो इन्होंने बोला कि सर मेरा सेकेंड ईयर रह रहा है, थोड़ा सा के लिए रह रहा हूँ फर्स्ट से। हमने बोला कि तुम सेकेंड पे ही रहा करो, फर्स्ट बनने की लालसा बनी रहेगी, एक मोटिवेशन था। और सच में इसका ईयर 2 आया था, मुझे ये बोल रहे थे सर आपने फर्स्ट रैंक क्यों नहीं मुझे बोला, मेरा तो सेकेंड ही आ गया। तो निश्चित रूप से देखो ये एक हम लोग के बीच में इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है एक, और ये स्पिरिचुअल भी है काफ़ी, और भगवद्गीता भी इन्होंने पढ़ा था, और ये हमारे साथ पिकनिक में भी गया था, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जाते हैं गेटेड जिल से जब एग्जाम होता है तो उसके बाद, और वहाँ पर इन्होंने खूब डांस किया, कीर्तन किया था, तो सबका देखो सारे फैक्टर है, माता पिता के से भी बहुत उनका रिस्पेक्ट करते, बड़ों का रिस्पेक्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सबसे प्रेम से रहना, विनम्रतापूर्वक रहना, अहंकार में नहीं रहना और खूब अच्छे से मेहनत करना, ये सारे चीज़ करके एक अच्छे पोजिशन पर पहुँचाते हैं, और इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा चीज आज सीखने को, सीखने को मिली होगी। आपको अगर कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम या डाउट है तो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल गेट इनफ नॉलेज एंड सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लास्ट में कुछ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार खुद पे विश्वास रखो, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तो आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो एक वही कि नेवर सेटल, कभी नहीं, यही है। तो चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे, और बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जो यहाँ से अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं, और आपको आपको बने रहना है, और इसका मतलब ये नहीं केवल वीडियो ही वीडियो देखते रहना, वीडियो से सीख के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है, और कोई भी डाउट है इमिडिएटली पूछो और कमेंट सेक्शन में। के मार्क्स भी प्रियांशु बोलूँगा एक बार, आप डीए के लिए क्या मार्क्स? डीए में मेरी 130 रैंक आई है एंड 66 समथिंग मार्क्स है। ओके, तो हाँ अगर अब एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि नया पेपर आ गया है, क्योंकि अगर आपका उधर इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने, सिर्फ 2, और डीए में रैंक लियो अच्छी, तो याली बैच से काफ़ी मतलब एडवांटेज हो गया मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी नए ऑप्शंस खुल गए हैं, तो गेट अब तो शायद और अच्छी हो गई है इस सेंस में।
काफी ऑप्शंस आ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस काफी है, बस पढ़ो अच्छे से, बाकी सब अपने आप अच्छी जगह चले जाओगे, लग जाओ, अपना बेस्ट दो। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।